यहाँ पर ना यहाँ पर मेरे बाल बहुत थिन हैं एक सेकेंड यहाँ पर सेंटर में मेरे बाल थिन है यहाँ पर भी थिन है साइड पर बहुत थिक है इधर भी बहुत थिक है इधर भी बहुत थिक है पीछे तो खतरनाक खतरनाक बहुत अच्छे बाल हैं आपको मैं वापस दिखाता हूँ ये आप देख सकते हो ये रहे आगे के बाल हाँ ये रहे ये देखो ये एरिया फिर ये रहा मतलब यहाँ पर थिन है बाल यहाँ पर भी थोड़े थिन मतलब ये जो एरिया है ना और यहाँ पर क्राउन एरिया यहाँ पर थिन है लेकिन ग्रोथ बाल अच्छे उगे हैं मतलब अच्छे ग्रो हो रहे हैं तो इवन पीछे के बाल तो बहुत खतरनाक खतरनाक थिक है तो दोस्तों अभी आप मुझे बताना ना ऑन स्केल ऑफ वन टू टेन आप मुझे कितने का रेटिंग दोगे अगर आप मुझसे पूछोगे आपने मेरा पहले का कंडीशन देखा होगा ना आपको पता होगा कि कितना बुरा था अगर आप एक ओल्ड व्यूअर है तो आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आप एक न्यू व्यूअर हो आप चैनल पर नीचे स्क्रोल करके दूसरे वीडियोज देख सकते हो तो वहां से यहाँ पर आने के लिए आई फील इट इज़ रियली गुड कंपेयर टू वॉट आई वॉज बिफोर एंड वॉट आई एम नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज मैंने बहुत कुछ यूज़ किया है पी टूट कैरेट जूस कड़ी पत्ता पी आर पी uh, सेसा अवीमी ट्राया और इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज डाले हैं तो आई फील फ्रॉम दैट कंडीशन टू दिस कंडीशन इट इज़ रियली गुड एक टाइम पर तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था आई आई यूज टू गो डाउन एंड डायरेक्टली शेव माई हेयर फिर मेरे भाई ने बताया क्यों शेव कर रहा है बाल कीप यूजिंग दीज मेथड्स नेचुरल वेस्ट ट्राई करते रहे एंड फिर मैं अब यहाँ तक पहुंचा कंपेयर टू आई वॉज बिफोर आई फील दिस इज़ बेटर बट मेरे मन में ना कभी कभी ऐसे थॉट्स भी आते हैं अभी देखो रणबीर कपूर ने भी ट्रांसप्लांट किया है अक्षय कुमार ने भी ट्रांसप्लांट किया एंड इट इज़ लुकिंग गुड ऑन देम तो देर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया बट जब मैं लोगों को देखता हूं मेरे सामने जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है उनको देखकर लगता है कि ट्रांसप्लांटेड बाल है इट इज नॉट रॉन्ग कुछ ये नहीं है बट दिस थॉट ऑलवेज गोज ऑन इन माई हेड आपके क्या थाट्स है लेट मी नो योर जेनविन फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो और अगर आप मुझ मेरे साथ कनेक्ट करते हो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं यू वुड अंडरस्टैंड कि मैं किस पोजिशन से बात कर रहा हूं uh, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं यू वुड कनेक्ट रियली वेल विद मी सो लेट मी नो योर जेनविन फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो तो अब चलते दूसरे पॉइंट की तरफ करेंटली मैं कौन से ट्राई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और फ्यूचर में मैं कौन से यूज करने वाला हूँ सो देट यू कैन मेक अ परचेज डिसीजन फॉर यूर तो करेंटली मैं हेल्थ तत्व यूज कर रहा हूं योर नेचुरल डिटॉक्स दूसरा हेयर रास यूज कर रहा हूं इज योर डेली नेचुरल हेयर नरिशमेंट और तीसरा ट्राया डिफेंट शैंपू यूज कर रहा हूं आई कंज्यूम दिस ऑन डेली बेसिस तो यहां पर एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा मैं ट्राया का डीएचडी ब्लॉकर भी यूज करता था लेकिन उसका स्टॉक खत्म हो गया एंड आई वुड भी हैप्पी टू यूज दैट ऑल्सो इन द फ्यूचर क्योंकि डीएचडी ब्लॉक करने में वो मदद करता है बट प्रॉब्लम ये था तो अगर आप ट्राई के मार्केटिंग टीम सोशल मीडिया टीम से हो या कोई भी वीडियो देख रहा है विच इज फ्रॉम द ट्राया टीम यू कैन टेक दिस फीडबैक फॉर योर टीम तो जब भी मैं इंडिया गया था एड ऑर्डर थ्री टू तो फोर मंथ्स का स्टॉक एंड इट वाज नॉट डिलीवर्ड डिलीवर नहीं हो पाया बिकॉज सम सम ऑर द अदर रीजन तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं तो वैन आई केम योर आई ऑर्डर फ्रॉम ट्राया कॉम्पिटिशन ट्राया के कॉम्पिटिशन से मैंने ऑर्डर किया एंड दे वर अवेलेबल लोकली ऑल्सो दे डिलीवर्ड ऑल्सो एंड तो ये था सो ओनली बिकॉज ट्राया डिलीवर नहीं कर पाया आई वॉज नॉट एबल टू यूज द डी एच डी ब्लॉकर एंड करेंटली मैं वो यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम था एंड इन द फ्यूचर इफ़ यू आस्क मी कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे ट्राया के आई वुड बी वेरी हैप्पी टू यूज़ हेयर राश योर नेचुरल हेयर नरिशमेंट आई वुड बी हैप्पी टू यूज़ द डी एच डी ब्लॉकर क्योंकि करेंटली है नहीं मेरे पास वो और शैम्पू भी मैं यूज़ करने के लिए तैयार हूँ ट्राया का आर रियली ग्रेट प्रोडक्ट्स पहले मैं ट्राया का यह भी यूज़ करता था क्या बोलते हैं उसे मिनोक्सीडल जिसमें फिनिश टाइट था बट वो डिलीवर नहीं कर पाए आई वॉज नॉट एबल टू यूज दैट ऑल्सो बट ये जो मिनोक्सीडल है डॉक्टर रेड्डी का इट इज़ अ स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी ये आपको मेडिकल में भी अवेलेबल मिल जाएंगे इजीली तो मैं क्या करता था सेंस ट्राया ने डिलीवर नहीं किया उनका मिनोक्सीडल और ये प्रोडक्ट्स मैंने डायरेक्टली जाके फार्मेसी uh, से तीन चार बॉटल खरीद लिए इसकी इजीली अवेलेबल इजीली एक्सेसिबल आल्सो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मिनॉक्सीडिल आप ट्राया से ही खरीदें आप कोई भी ब्रांड का खरीद सकते हो द सोल्यूशन मिनॉक्सीडिल रियली वर्क अलॉट इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है सो इन द फ्यूचर आई एल गो फॉर हेयर रास ये बहुत अच्छा है डी ब्लॉकर वो डी ब्लॉक करने में मदद करता है नेचुरली एज डी एच टी इज़ अ मेन रीजन वाई वी लूज आर हेयर तो अगर आप ट्राए के टीम से हो यू कैन टेक दिस फीडबैक इफ यू आर अवेलेबल लोकली यू बिकॉज हेयर लॉस इज़ अ इन इंटरनेशनल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड दिस फीडबैक आई गारंटी यू विल रियली हेल्प यूअर लॉट सिंस योर डी एच टी ब्लॉक सोल्यूशन इज वर्किंग इट इज हेल्पिंग पीपल एंड पीपल योर इंटरनेशनली नीड दैट सोल्यूशन वन इट कम्स टू हेयर लॉस तो दोस्तों चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ चीजें जो मैं रोज करता हूँ मेरे बाल बचाने के लिए तो जब मैं सुबह उठता हूँ मैं डर्मा रोलर यूज करता हूँ आई मेक श्योर आई यूज द दर्मा रोलर हफ्ते में दो बार और उसके बाद मैं मिनोक्सोडिल यूज करता हूँ डेली वो होने के बाद मैं हेड स्टैंड्स करता हूँ हेड स्टैंड होने के बाद मैं कड़ी पत्ता खाता हूँ उसमें लाइक ओवर नाइट सोक्ट मेहती सीड्स रखता हूँ उसमें मैं थोड़ा सैसा डालता हूँ सैसा अभी वो ख़त्म हो जाएगा मेरा सो आई वॉन्ट हैव द स्टॉक विद मी उसके बाद आई ईट ओट्स ओट्स में मैं पंकिन सीड्स वॉलनट ऐड करता हूँ जो डी ब्लॉक करने में मदद करते हैं आफ्टरनून को नॉर्मल लंच होता है चिकन और राइस इवनिंग में मैं बीटरूट कैरेट आमला जूस पीता हूँ उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप वो चेक कर सकते हो करेंटली मैं उसमें वाटरमेलन ऑरेंज भी ऐड करना शुरू किया है एंड देन रात को वापस आई ईट ओट्स जिसमें पम्पकिन uh, सीड्स और वॉलट्स होते हैं और ये डेली करता हूँ मैं बट हफ़्ते में एक बार मैं चावल का पानी यूज़ करता हूँ राइस वाटर ऑन माय स्कैल्प उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया आप वो चेक कर सकते हो और uh, वीकेंड में आई यूज द अनियन पेस्ट अनियन का एक जूस बनाता हूँ छोटे छोटे अनियन होते हैं उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए तो ये सारी चीज़ें मैं हफ़्ते में करता हूँ और हेड स्टैंड भी करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस सो यू कैन ऑल्सो डू दैट इसके रिलेटेड मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा आपके साथ आप ऊपर आए बटन में क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हो क्या चावल का पानी हमारी मदद कर सकता है हमारे बाल बढ़ाने के लिए ये वीडियो को चेक करना मत भूलना और मेरा डेली हेयर केयर रूटीन इस वीडियो को मिस करना ही मत ये आपकी बहुत मदद कर सकता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मिली बाल झड़ रहे सारा टकला होते जा रहे हो इस वीडियो से उसकी मदद हो जाए तो वो बहुत खुश रहेगा और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में स्टे सेफ टेक केयर मच लव एंड की